आज की इस मॉडर्न लाइफ में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, क्या तुमने अपने भीतर कभी परम शांति का अनुभव किया है? क्या तुम्हें कभी स्वयं के अनुभव की झलकियां मिली हैं? क्या सच में कभी तुमने जाना है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें कभी खुद के होने का अनुभव हुआ है? अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, जब हम ध्यान में जाते हैं तो कभी कभी हमें एक परम शांति का अनुभव होता है। उस कुछ समय के लिए आप जीवन की भागदौड़ से अपने आप को मुक्त पाते हैं। लेकिन आंखें खोलते ही, संसार में आते ही, दो चार लोगों से मिलते ही आपको मिली ध्यान में वो परम शांति का छोटा सा अनुभव, वो कहीं दोबारा खो जाता है। फिर आपकी वही शांति चिंता, तनाव और स्ट्रेस में बदल जाती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके साथ में ऐसा ही कुछ होता होगा। लेकिन क्या फिर आपने कभी इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की है? नहीं, असल में आप अपने मन की सभी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर खोजते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति या गुरु ढूंढते हैं जो आपकी समस्या और उसका समाधान आसानी से बता दे। आप कभी खुद प्रयास करना ही नहीं चाहते। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ध्यान में मिली वो क्षण भर की खुशी, वो शांति, वो आनंदमय अवस्था कुछ देर बाद समाप्त क्यों हो जाती है। दरअसल मैं इसके बारे में आपको सीधा सीधा नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको सिखाऊंगा कि आप अपने भीतर की अवस्था को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से खुद की समस्या या उसका समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आज का ये पूरा ऑडियो ध्यान से सुनना। सबसे पहला, आर्टिफिशियल साइलेंस यानी बनावटी शांति, यानी आपके ध्यान में आपका मन आपको किस प्रकार से धोखा देता है। तो ये बनावटी शांति क्या होती है, ये आपको किस प्रकार प्रभावित करती है? अगर मैं इसे कम शब्दों में कहूं तो इसका अर्थ है सेल्फ हिप्नोटिज्म, यानी आपका मन ध्यान की उस अवस्था में आपको हिप्नोटाइज कर देता है। और जो भी कुछ अनुभव आपने बाहर से सीखे होते हैं, आपका मन उन सभी अनुभवों को ध्यान की उस अवस्था में रिप्रेजेंट कर देता है। आप इसे ऐसे समझो, जब आप कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आपका शरीर शांत हो जाता है। प्रयास करते करते आप कुछ समय के लिए भीतर से भी शांत हो जाते हैं, जिसके बाद आपको अपने भीतर से शांति का अनुभव होता है। उस कुछ पल के लिए आप अपने बाहरी जगत, अपनी चिंताएं या दुनिया संसार से मुक्त होने का अनुभव करते हैं। और फिर आप जैसे ही आंखें खोलते हैं, 5 मिनट बाद वो सभी अनुभव कहीं खो से जाते हैं। तो ये आपके ध्यान के 10-15 मिनट उस समय आपने खुद को ही हिप्नोटाइज कर लिया था। जो आपको ध्यान में महसूस हो रहा था वो एक बनावटी अनुभव है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही सम्मोहित नहीं कर सकता, बल्कि आप खुद को भी सम्मोहित करते हैं। ध्यान की अवस्था में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो अपने चेतन मन को शांत करने का होता है। और हिप्नोटिज्म में भी कोई व्यक्ति सबसे पहले आपके चेतन मन को सुलाता है और फिर जो निर्देश देता है आप उसके अकॉर्डिंग अनुभव करते हैं। तो आपका ध्यान भी एक सम्मोहन वाली अवस्था है, वो असली ध्यान नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आपको ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान की सभी क्रियाएं आपके लिए उपयोगी अवश्य होती हैं, लेकिन उन विधियों में उलझे रहना और उनके पार ना निकल पाना, यही आपके लिए समस्या बन जाता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप ध्यान में क्या करते हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि वो किसी पर ध्यान देते हैं, या तो वो किसी मंत्र पर ध्यान करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, और अगर ये सब कुछ नहीं करते तो वो किसी भगवान पर ध्यान करते हैं। अब जरा इसे एक और से समझना, यहाँ पर दो चीजें मौजूद हैं, एक तो वो जो ध्यान कर रहा है, दूसरा वो जिस पर ध्यान किया जा रहा है। आप जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं और जैसे जैसे उस दूसरे पर ध्यान गहरा होने लगता है, वैसे वैसे आपके बाहरी चीजें शांत होने लगती हैं। आपका जो ध्यान आपकी किसी चिंता में था या नेगेटिव विचारों में चल रहा था, उसी ध्यान को आपने प्रयास पूर्वक किसी नई या अलग जगह लगा दिया है, या तो किसी ईश्वर पर लगा दिया है या किसी देवता या गुरु पर लगा दिया है। इसी वजह से आपको ध्यान में जो अनुभव होता है, जो शांति का अनुभव होता है, एक हैप्पीनेस का अनुभव होता है, ये आपने खुद ही बनाया है। बस केवल यहाँ पर इतना सा साइंस है, ध्यान में बैठने से पहले आपका ध्यान आपकी चिंताओं पर होता है, किसी व्यक्ति विशेष पर होता है या नेगेटिव विचारों पर होता है। बस ध्यान में थोड़े से प्रयास से आप उसका रुख मोड़ देते हैं, वही ध्यान की ऊर्जा आप किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं।
अब जैसा मैंने कहा कि वो कोई भी हो सकता है, आपका गुरु या भगवान या आपका कोई प्रिय देवता। इसीलिए आप जब तक ध्यान में बैठे होते हैं तब तक अपने आप को रिलैक्स, चिंता मुक्त और आनंदमय अनुभव करते हैं। इसीलिए आप जब तक ध्यान करते रहते हैं उस ध्यान का असर आपके साथ कुछ ही देर तक रहता है, क्योंकि ध्यान के ये सभी अनुभव वो शांति आपके मन ने आपके लिए बनाए हैं। अपने प्रयास के साथ आपने खुद ही उनका निर्माण किया है। इस हिसाब से तो आप पूरा जीवन ध्यान करते रहेंगे और जब तक ध्यान करेंगे तब तक ही उसका फायदा मिलेगा। तो आपको पूरा जीवन ध्यान में ही नहीं रहना है बल्कि इसके पार निकलना है। लेकिन हाँ, ध्यान की प्रैक्टिस भी अति आवश्यक है, क्योंकि ध्यान का अभ्यास करते करते आप अपने मन को समझेंगे और अगर मन को समझ लिया तब ही उसके पार निकल पाएंगे। दूसरी बात, आपने अपने ध्यान में मैं कौन हूं का प्रयोग किया होगा। असल में ज्यादातर लोग भी इस प्रयोग को गलत करते हैं। वो आंखें बंद करके अपने मन में ही ये पूछते रहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ऐसे में आपका मन फिर से आपके साथ एक चाल खेलता है। आपके मन ने पहले कहीं सुन रखा होता है कि शरीर में आत्मा होती है, तो आपके बार बार पूछे जाने पर मैं कौन हूं, आपका मन आपके लिए आत्मा होने का भ्रम पैदा करता है। आप फिर से खुद को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और आपको लगता है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन इस तरह से खुद को आत्मा मान लेना उतना ही झूठ है जितना कि कहीं किसी किताब में पढ़कर कि आप आत्मा हो। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारा मन इतना बलवान है, हमारे साथ इतना खेल खेलता है, तो खुद को सही मार्ग पर कैसे लाया जाए। देखिए, असली परम शांति या आपके ध्यान के रियल अनुभव वो क्षण भर के नहीं होते, बल्कि वो आपको आपकी पिछली अवस्था से मुक्त कर देते हैं। वही सच्चे अनुभव होते हैं। खुद को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से यह निकालना होगा कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप मन को कंट्रोल करने के लिए नहीं बने, यानी मन को कंट्रोल करना आपका स्वभाव नहीं है। वैसे ही आपके मन का स्वभाव है इधर से उधर भागना। वो अपने स्वभाव के हिसाब से काम करेगा और आप अपने स्वभाव के हिसाब से। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करने चलेंगे तो आपका मन ही आपको धोखा दे देगा कि आपने उसे कंट्रोल कर लिया है। मन का काम है इधर से उधर फिसलना। आप उसे जितना ही पकड़ने की कोशिश करेंगे वह उतना ही फिसलेगा। चलो मान लिया, अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर भी लें तो ये अस्वाभाविक होगा। यहाँ फिर से आपने कुछ फेक क्रिएट किया, कुछ बनावटी, आर्टिफिशियल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ध्यान में करते हैं। असल में आपका भीतरी स्वभाव या आप जो हो वो बस एक खालीपन है। आप जितना अधिक अपने भीतर क्रियाओं को डालोगे, जितनी नई मान्यताओं को मानोगे, उतना ही आप अपने स्वभाव के भीतर कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, इसे भरने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की ध्यान विधि, कोई भी मंत्र या कोई भी भारी ज्ञान, जब आप इसे अपने भीतर डालते हैं तो ये आपके द्वारा किया गया प्रयास है, यानी आपने कुछ भरा। सामान्य व्यक्ति सामान्य चीजें भरता है। आप अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं तो आप इस तरह की चीजें भरते हैं, यानी आप आध्यात्मिक चीजें भरते हैं। लेकिन आप गलती यहाँ करते हैं कि आप केवल चीजों को भर लेते हैं, जबकि आपको यह चाहिए कि आप किसी भी प्रकार का अनुभव करें तो उसे छोड़ दें, उसे पकड़े ना रखें। आपको अनुभव अच्छा लगता है तो आप उसे दोबारा करना चाहते हैं, किसी विशेष विधि को और ताकत के साथ करते हैं ताकि वो आपको दोबारा हो। असल में सभी विधियां केवल इतना काम करती हैं कि आप उनका अनुभव करो, उन्हें जान लो और फिर छोड़ दो। मुक्ति या मुक्त का सही अर्थ क्या है, यानी आपने किसी चीज को नहीं पकड़ा, ना ही किसी गुरु, ना ही कोई आध्यात्मिक क्रिया और ना ही किसी भगवान को। आप एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करके बार बार स्वयं से पूछते हैं मैं कौन हूं या फिर मैं क्या हूं। असल में ये शब्द बार बार पूछते पूछते ये खुद भी खो जाता है और आपके भीतर एक गूंज उत्पन्न होने लगती है। गूंज वो कि कौन पूछ रहा था मैं कौन हूं और जो असल में हूं वो क्या है। द्वैत बनता है, बिगड़ता है, इसी बीच ये छूट जाता है। और कभी कभी किसी लाखों में एक साधक को उस अद्वैत की झलकियां मिल जाती हैं। लेकिन ज्यादातर मनुष्य किसी भी ध्यान विधि को या क्रिया को उसके ऊपरी शाब्दिक अर्थ से लेते हैं, उसकी गहराई में वो कभी उतर ही नहीं पाते। मैं कौन हूं जब गहरा होता है, जब आपको शरीर का बोध नहीं होता, आपके मन की अब्सेंट होने लगती है, तब इस मैं कौन हूं की यात्रा में
आपको एक भय सा भी लगेगा, क्योंकि जिसको आपने कभी जाना नहीं, जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ, हो सकता है उसकी झलकियां आपको थोड़ा भयभीत कर दें, लेकिन उस मैं में गहरा जाते जाओ। देखिए, ध्यान में अगर आप खुद का प्रयास करेंगे या प्रयास करके ध्यान करेंगे, तो ऐसे में आप अपने मन के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपका मन आपके साथ छेड़छाड़ करता है। अगर आप स्वयं से पूछते हो मैं कौन हूं, और पूछते पूछते अगर आपको कभी कोई जवाब मिलता है और आपका वो जवाब बाहरी किसी के जवाब से मिला जुला है, या उस जवाब के मिलते समय आपके भीतर किसी का चित्र आता है, या फिर वो जवाब आपको किसी भाषा में मिलता है, तो समझो आपका वो मैं आपके लिए केवल एक भ्रम पैदा कर रहा है। क्योंकि मैं कौन हूं का कभी जवाब नहीं आता, असल में उसका अनुभव होता है। अगर आपके भीतर से कोई शाब्दिक जवाब आता है, तो समझो आपका मन आपको फिर से हिप्नोटाइज कर रहा है, आपको आत्मा होने का भ्रम पैदा कर रहा है। ये कुछ इसी तरह से है कि ध्यान से पहले आपका मन आपके लिए सांसारिक खेल रचता था, और ध्यान में बैठने के बाद वो आपके लिए भीतरी खेल रचने लगा है। दूसरे प्रकार के साधक, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, मैं उनके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, उनके ईमेल्स भी मुझे आते हैं, वो कहती हैं कि हम मंत्र साधना करते हैं, हमें गहन शांति महसूस होती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या ये शांति आपके साथ हमेशा बनी रहती है? तो एक ईमानदारी से दिया हुआ जवाब होगा, नहीं। असल में ओम की ध्वनि की एक अलग वाइब्रेशन है, उसका सही उपयोग या ओम के रहस्य ये किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन किसी भी मंत्र उच्चारण में आप जो परम शांति महसूस करते हैं, असल में वह भी बनावटी है। इसे ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपके मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना। करते रहने से अर्थ है आपका मन आपको या तो दृश्य दिखाता है या विचार पैदा करता है, तो मन निरंतर कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करके बैठते हैं और कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, कुछ इस तरह से, आप ये प्रयोग अभी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ? आपका मन जो आपके लिए विचार पैदा करता है, दृश्य बनाता है, उसको काम पर लगा दिया मंत्र उच्चारण में। आपका मन ओम की ध्वनि में व्यस्त हो गया, उसने अपना ध्यान या फोकस वहां कर लिया, जिसके कारण कुछ देर के लिए आपको सांसारिक विचार छोड़ देते हैं और आपको शांति महसूस होती है। मन जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने कार्य करता है, उस ऊर्जा को हमने ध्वनि में रूपांतरित कर दिया और बस आप शांत हो गए। असल में जब आपको सच में आध्यात्मिक अनुभव होंगे, जब आप स्वयं की खोज में सच में होंगे और आप जानोगे कि मैं कौन हूं, तो इसका जवाब शब्दों में नहीं आएगा, ये कहने में नहीं आएगा, आप इसे कह नहीं पाएंगे, बस इसका कुछ अनुभव होगा।